हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे आपको टायर्स दिख रहे होंगे, और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अपनी इंडस्ट्री में वो सेकंड नंबर पे है। ज़बरदस्त टायर कंपनी है, और इस स्टॉक का नाम है बाल कृष्णा इंडस्ट्री। तो हम बात करेंगे, पहले वेबसाइट पे ही हैं हम उनके, कि कैसे कैसे उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या बनाती है, और फिर हम बात करेंगे कि स्टॉक को क्या लेना चाहिए, कैसे फंडामेंटल्स हैं अभी। और ये हम यहाँ पे आ गए हैं, देखिए ये अर्थ मूविंग जो टायर बनाती है बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के, लाइक जेसीबी और इंडस्ट्रियल टायर्स, और ये देखिए ज़बरदस्त टायर्स, बीकेटी टायर्स। और अपनी जो एमआरएफ का आपने नाम सुना ही होगा, इतनी बड़ी कंपनी है एमआरएफ लिमिटेड, यहाँ पर देखिए एमआरएफ ने अभी हाई बनाया था 81,000 का, और अभी जो भाव चल रहा है करंट, आज 20 मार्च को 1 बज रहे हैं, 56,957 रुपये। तो एमआरएफ का मैंने क्यों स्टॉक आपको दिखाया, एमआरएफ का इसलिए दिखाया कि जिन्होंने आज से कुछ साल पहले एमआरएफ का लिया होगा, जब ये छोटी प्राइस का था, जब छोटी प्रीमियम का था, आज उनको चैन की नींद आ रही होगी, आज काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन, हालांकि थोड़ा डाउन हुआ है अपने हाई से। तो अब जो बाल, अच्छा एमआरएफ इतना भागा क्यों, और एक तो आपको पता ही है कि ज़बरदस्त कंपनी है टायर की, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो प्रीमियम है, जो इसका रेट है, ये इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि एमआरएफ ने अपनी फेस वैल्यू अभी कम नहीं की है, और फेस वैल्यू के अलावा एमआरएफ डिविडेंड तो देती है, लेकिन ये जो है बोनस भी बहुत सालों से नहीं दिया है। बोनस से भी क्या होता है कि रेट स्प्लिट हो जाता है। तो ये देखिए हम, ये बोनस एमआरएफ ने कब दिया था, फिर हम चलेंगे बालकृष्णा टायर पे ही हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्योंकि सेक्टर एक ही है। और ये देखिए एमआरएफ ने, वेरी सॉरी, 1975 और 1970, तो 1975 में लास्ट डिविडेंड इन्होंने दिया था। और अब हम चलेंगे बात करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में। ये देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ आज 20 मार्च 2019 से 1:06 है, आज का जो BSE भाव है 921 रुपये 10 पैसे, और इसने 52 वीक लो बनाया है 744 का, और हाई बनाया है 1453 रुपये का। सॉरी, अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले ट्रेड कर रहा था 125 के करीब, तो लो इसने 744 का बनाया। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं इसके चार्ट। देखिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, हर साल डिविडेंड देती है ये कंपनी, और लोग कह रहे हैं कि 100% कह रहे हैं कि बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए। और मार्केट कैप है 17,804 करोड़ का। EPS यहाँ पे नहीं दिखा, पी भी हम देखते हैं आगे। बुक वैल्यू 211 की, प्राइस टू बुक है 4.36 की, डिलीवरेबल है 70%, और फेस वैल्यू है 2 की, और डिविडेंड भी पे करता है 400% का, डिविडेंड यील्ड है 0.87% का। इंडस्ट्री पी 21 की है, 21.61 की, और पहले हम देखेंगे इसका पी और EPS। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे पी है इसका 25.47 का, अर्निंग पर शेयर है 36 रुपये 7 पैसे का। बाकी हम देख ही चुके हैं, अब हम देखते हैं कि बालकृष्णा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कहते रहते हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक भी बताइए जो बोनस दिया करेगा, क्योंकि मैंने एक विप्रो का एनालाइज किया था, एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि विप्रो के जिन्होंने आज से सन 1980 में 10,000 रुपये के 100 शेयर लिए होंगे, आज वो करोड़पति हैं, अरबपति। तो बोनस के शेयर की इतनी ताकत है कि वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा थोड़ी सी आपको भी पावर एनर्जी मिलेगी। सॉरी, आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा। और अब हम बालकृष्णा ने क्या बोनस देती है, आइए हम देखते हैं, फिर हम इसके फंडामेंटल भी देखेंगे, रिजल्ट्स भी देखेंगे। हम चले आए, देखिए डिविडेंड तो देती है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बोनस के। हाँ, ये खुल गया है, ये देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्री ने ये बोनस दिए हैं, और लास्ट बोनस दिया था 8 नवंबर 2017 को, मतलब 1.5 साल के करीब, एक पे एक, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो 2 हो गए, 100 शेयर हैं 200 शेयर्स हो गए, है ना। तो इसलिए इसका जो प्रीमियम भी है इसी के आसपास है, और ये फेस वैल्यू भी इसकी
कम हुई है और फेस वैल्यू तो हमने देखी थी, फेस वैल्यू भी हम देख लेते हैं। मैं भूल गया, अभी बताता हूँ आपको एक्सैक्ट। हाँ, 2 की है, मतलब फेस वैल्यू इसकी 10 से 2 की आई है। तो उस समय भी ये जिसके पास 1 शेयर थे उसको 5 शेयर्स मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके, और यहाँ पे देखिए क्वालिटी, मैनेजमेंट रिस्क, ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर पे ये गुड क्वालिटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ है 9.08% की, EBIT ग्रोथ है 8.54% की, और नेट डेट टू इक्विटी है 0.34, जो कि अच्छा है। वैल्यूएशन अभी वहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव दिखा रहा है, और पी रेशियो देख ही चुके हैं हम। ROCE है इसका 22, ROE है इसका 18.12%। फाइनेंशियल ट्रेड अभी भी इसका नेगेटिव दिखा रहा है, और हम रिटर्न्स देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 सालों में इसने दिया है 6,477% का रिटर्न। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, 6,477। मतलब अगर आपने, मैं क्या बताऊँ, आपने 1-2 लाख रुपए लगाए होते तो करोड़पति होते। तो ये कैलकुलेटर लेके आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ मोटा मोटी। और 5 सालों में इसने 313% का रिटर्न दिया है, 4 सालों में 196% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 205% का रिटर्न दिया है, और 2 साल में 28% का रिटर्न, जो कि कम है यहाँ पे। 1 साल में 15% के नेगेटिव पे है, ईयर टू डेट से 0.43% के नेगेटिव पे, 6 मंथ में 17% के नेगेटिव। जिन्होंने 6 महीने पहले पैसे लगाए उनको 17% की जो लॉस है, 3 महीने में जिन्होंने पैसा लगाया उनको 2% का लॉस है, करीब 2.5% के आसपास, और 1 मंथ में 11% की अपसाइड है, 1 वीक में 0.95% की डाउन साइड है, और 1 डे में आज 0.19% की जो है अपसाइड दिखाई दे रहा है। सॉरी, अब चूंकि डाउन साइड क्यों दिखा, देखिए अब इसके रिजल्ट्स भी वैसे ही हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा, अब होता क्या है, अगर 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स ख़राब आ गए या 1 साल के ख़राब आ गए किसी दिग्गज कंपनी की, तो भागना नहीं चाहिए। ये होता है अपॉर्चुनिटी और बाइंग करने का, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लीजिए आपके पास थोड़े से कुछ पैसे हैं, तो आप कुछ स्टॉक्स एटलीस्ट 2-4 तो अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ऐसे से जो बोनस भी देती हो, जो अच्छा डिविडेंड भी देती हो, है ना। तो लंबे समय के लिए ये टायर की कंपनियां, MRF को मैंने हल्का सा आपको बताई दिया, झलकी दिखाई थी आपकी, तो हो सकता है कि बालकृष्णा इंडस्ट्री भी MRF हो जाए आने वाले समय पे। लेकिन होता क्या कि इसका प्रीमियम इसलिए कम हो जाता है, बोनस भी दे देती है, अभी स्प्लिट भी हुई थी, और तो इस वजह से प्रीमियम कम है। लेकिन अगर हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कभी रिजल्ट्स ख़राब आ गए हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उस समय हमें ख़रीदने का अच्छा मौका होता है अच्छी गुड क्वालिटी की कंपनी में। एनीवेज, देखिए नेट सेल्स में यहाँ पे जो है दिसंबर में जो था 1205 करोड़ की, और सितंबर में था 1325, सितंबर 18 जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसमें 9% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं। और PBDIT जो इनकी इनकम है, प्रॉफिट इनकम है, इसमें भी 19.27% की नेगेटिव में है, और नेट प्रॉफिट में भी इनको 34% का लॉस है सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स के मुकाबले, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इनको 2.82% का लॉस है, क्योंकि दिसंबर 18 में इनको 22%, 22.5% करीब, जबकि सितंबर 18 में थे 25% के करीब। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ है, जो सितंबर 18 में क्वार्टर में थी 58.3% की, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 30 स्कीम्स ने इसमें 13.46% की होल्डिंग बनाई हुई है। FIIs 166 हैं, 12.59% की इसमें जो है होल्डिंग बनाई हुई, और ये कंपनी फॉरेन में अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसके जो है टायर्स वगैरह बिकते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चर भी होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है HDFC ट्रस्टी कंपनी, HDFC ने भी पैसे यहाँ पे लगा रखे हैं। इंडिविजुअल हैं, खुदरा ग्राहक हम और आप, 9.21% के, और देखो सब ने म्यूचुअल फंड से भी यहाँ पे अपनी इंक्रीज़ की हुई है होल्डिंग, अदर DIIs ने भी इंक्रीज़ हुई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ी सी इंक्रीज़ की हुई है, उनको भरने का अच्छा मौका मिल गया है यहाँ पे। टायर से रिलेटेड कंपनी हाउस है सियाराम पोद्दार, 20 नवंबर 1961 से ये काम कर रही है, और मार्केट कैप देखे जो अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पे है। टायर्स 84% से इसकी इनकम है, पेपर ब्रांड से इसकी
12.1% की इनकम है और यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट जिससे 3.3% की यहाँ से। बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड ऑपरेट्स मेनली इन द बिजनेस सेगमेंट ऑफ टायर्स। द कंपनी फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द रेंज ऑफ हाईवे टायर्स दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री मटेरियल्स हैंडलिंग फॉरेस्ट्री लॉन एंड गार्डन कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूविंग टायर्स। इन द डोमेस्टिक मार्केट द कंपनी सप्लाइज टू ऑल द मेजर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड हैज अ प्रेजेंस इन द रिप्लेसमेंट मार्केट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा, काफ़ी रिसर्च किया, मेरे पास भी मेरे नज़र में रहता है क्योंकि इसके मैं स्टॉक्स कुछ लेके रखा है मैंने। तो दोस्तों ये बढ़िया कंपनी है और कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। मेरा मकसद सिर्फ है आपको कि इसके करंट डाटा दिखाना कि अभी मौजूदा स्थिति में कंपनी का क्या रिजल्ट्स आया है और कैसे इसका मैनेजमेंट काम कर रहा है, कैसे इसके प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।